दोस्तों आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिल जाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाते हैं। कभी बैंकिंग का सबसे बड़ा घोटाला हो जाता है तो कभी पेटीएम बैंक को आरबीआई पूरी तरह ठप कर देता है। इन सब मामलों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद बदलती हुई भारत की अर्थव्यवस्था की वजह से आज के समय में ये सभी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी एक खबर उस समय मार्केट में बहुत चर्चा में है और वो जुड़ी है सिटी बैंक से। असल में हुआ कुछ यूं कि सिटी बैंक को एक्सिस बैंक ने बहुत ही बड़ा अमाउंट देकर पूरा ही खरीद लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बैंकिंग डील्स में से एक है। अब ऐसा क्या हुआ और क्या है पूरी डील, आखिर क्यों सिटी बैंक ने अपना बिजनेस भारत से समेट लिया, चलिए जानते हैं। सिटी बैंक अमेरिका का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बैंक है जिसका लगभग पूरी दुनिया में ही अपना कारोबार चलता था। अब अगर भारत में देखें तो सिटी बैंक ने भारत में साल 1902 में अपने कारोबार की शुरुआत की थी। शुरू करने के साथ ही साथ उनका कारोबार बेहतर होता गया। कारोबार इसलिए भी बेहतर रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन के मामले में सिटी बैंक हमेशा सभी बैंकों से आगे रहता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में एम्प्लॉयज के लिए सैलरी अकाउंट का काम शुरू करने का श्रेय भी सिटी बैंक को ही जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के एरिया में भी ये बैंक तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने कस्टमर बेस को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो भी सिटी बैंक को इकोनॉमिक ईयर 19-20 में करीब 500 करोड़ रुपए का प्योर प्रॉफिट हुआ था, जिससे पहले के इकोनॉमिक ईयर में 4,185 करोड़ रुपए था। बावजूद इन सब के बैंक ने भारत में अपना उपभोक्ता कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया, जो कि अपने आप में सबको हैरान कर देने वाली बात थी। इस पर सिटी बैंक के इंडिया के सीईओ का कहना है कि इस घोषणा से हमारे बैंकिंग के काम में कोई बदलाव नहीं होगा और हमारे काम करने वाले लोगों पर भी इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं होगा। इस दौरान हम अपने अपने ग्राहकों को पहले की तरह सेवा देते रहेंगे। संस्थागत बैंकिंग के कारोबार सिटी अपने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम सेंटर से ग्लोबल कारोबार पर ध्यान देता रहेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सिटी बैंक भारत सहित कुल 13 देशों में कंज्यूमर बैंकिंग बाजार को बंद करने जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कहा जा रहा है कि भारत के बैंकिंग नियमों में हो रहे बदलाव और उसके साथ ही साथ कुछ और भी कॉर्पोरेट कारण थे जिसकी वजह से सिटी बैंक कंज्यूमर बैंकिंग के क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं दर्ज कर पा रहा था। इसके अलावा 2008 की आर्थिक मंदी ने इसके कारोबार पर काफी असर किया था। सिटी बैंक इस मंदी से इतना प्रभावित हुआ है कि कहीं ना कहीं वो उससे उबर नहीं पाया। वहीं बैंक का लोन वित्तीय वर्ष 19-20 में बढ़कर 7.97% तक पहुंच गया है, जो कि एक बड़ी समस्या भी हो गई थी। भारत में सिटी बैंक के कारोबार समेटने की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ बैंक रिटेल और क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में कारोबार को बढ़ाने में भी लगा हुआ था। क्रेडिट कार्ड के मामले में सिटी बैंक देश में 6वें नंबर पर था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी पिछले 10 साल में क्रेडिट कार्ड के एरिया में बैंक का मात्र 1.6% ही कारोबार बढ़ पाया था। बैंक का आउटस्टैंडिंग कार्ड का मार्केट शेयर 13% से घटकर 4% रह गया, जिससे उसके कस्टमर काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा सिटी बैंक को भारत में अपने कारोबार के अवसर भी कम दिखाई दे रहे हैं। भारत में बैंकिंग नियमों के तहत विदेशी बैंकों को देश में ब्रांच बढ़ाने या अधिग्रहण की छूट नहीं है। यही कारण है कि सिटी बैंक को भारत में अपने कारोबार बढ़ाने में मुश्किल होती है। बाजार जानकारों का कहना है कि बीते 36 साल में इस बैंक ने अपनी उम्मीद के हिसाब से ग्राहकों को जोड़ने में भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं की है। भारत के अलावा सिटी ग्रुप जिन 13 देशों में अपने कारोबार समेट रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम है। सिटी बैंक ग्रुप भारत में क्रेडिट कार्ड्स, रिटेल बैंकिंग, होम लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देता है। भारत में इस बैंक के 35 ब्रांच हैं और वर्तमान में कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में करीब 4,000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत में सिटी बैंक के कुल ग्राहकों की बात करें तो ये संख्या करीब 29 लाख है। इस बैंक में 12 लाख अकाउंट्स हैं और कुल 22 लाख ग्राहकों के पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट की हायरिंग सेक्शन में करीब 4,000 नई नौकरियों की लिस्टिंग तो की है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसे वापस लिया जाएगा या नहीं। भारत में सिटी बैंक बैंकिंग सर्विसेज के अलावा अपने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम के ब्रांचेस से वैश्विक बिजनेस सपोर्ट का भी काम करती है। जिन बाजारों से बैंक निकलने की तैयारी में 2020 के अंत तक उनमें से अधिकतर बाजारों का रेवेन्यू 6.5 अरब डॉलर या इससे भी कम रहा है। इन सभी बाजारों में सिटी बैंक के कुल 224 रिटेल ब्रांच हैं और करीब 12.39 अरब डॉलर का डिपॉजिट है, लेकिन कारोबार समेटने वाली सिटी बैंक ने समेटने की जगह अपने बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से भारत में एक्सिस बैंक को बेच दिया है। इस डील की आधिकारिक घोषणा सिटी ग्रुप ने कर दी है। सिटी ग्रुप ने कहा है कि उसने भारत में अपने कंज्यूमर कारोबार को
1.6 अरब डॉलर नकद में बेचने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ एक डील की है। सिटी ग्रुप के मुताबिक एक्सिस बैंक को बेचने की पूरी प्रक्रिया सिटी बैंक की तरफ से हुई नीलामी प्रक्रिया के बाद हुई है। इस अधिग्रहण के बाद अब सिटी बैंक में लगभग 3600 कर्मचारी एक्सिस बैंक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस डील से सिटी ग्रुप के भारत में इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस को अलग रखा गया है। बैंक की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया है कि सिटी ग्रुप भारत के इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को अपनी सर्विस जारी रखेगा। सिटी बैंक के साथ काम करने वाले वर्तमान एम्प्लॉय को लेकर कहा गया है कि वे अब एक्सिस बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो देश में अभी उसके 80 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। सिटी बैंक के 26 लाख के करीब क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। डील के बाद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का कस्टमर बेस 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर बात एक्सिस बैंक की करें तो एक्सिस बैंक इस समय भारत के प्राइवेट बैंकिंग के लिस्ट में 4th नंबर पर है, जिसका भारत में कुल कारोबार 2.26 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके ऊपर HDFC, ICICI और कोटक बैंक आते हैं। अगर हम ये देखें कि आखिर एक्सिस ने सिटी बैंक खरीदने की डील क्यों की है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इस बैंकिंग लिस्ट में टॉप पर आना चाहता है। अगर बात 2021 के आखिरी तिमाही के फायदे की करें, तो इसमें एक्सिस बैंक ने 214% तक का मुनाफा कमाया था, जिससे बात साबित होती है कि सिटी बैंक के रिसोर्स और कस्टमर की मदद से एक्सिस बैंक बड़ी आसानी से अपना बिजनेस और बड़ा कर पाएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक इस समय एक भरोसेमंद बैंकों में गिना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एक्सिस बैंक के लिए डील फायदेमंद साबित होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।